हाउस में घुसे उपद्रवी। पीएमओ में उपद्रवियों ने मचाई तबाही। किसी ने चिकन टंगड़ी का लिया मजा तो किसी ने बेड पर फरमाया आराम। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है, सड़कों पर आग लगी है, प्रदर्शनकारियों के भीतर उबाल है। दरअसल प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद जब वहां सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की, तब हालात और भी बदतर हो गए। इधर शेख हसीना ने देश छोड़ा, उधर पीएम आवास में एंट्री हो गई, सड़क पर बवाल काट रहे प्रदर्शनकारियों की। और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली है। शेख हसीना के घर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर लूटपाट और तोड़फोड़ की। इसके साथ ही इन उत्पात के वीडियोस अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इंटरनेट पर ऐसी तमाम वीडियोस की बाढ़ आ चुकी है जिसे देख आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। ये वीडियो श्रीलंका में हुए प्रदर्शन की भी याद दिलाती है। शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ी। सोमवार को प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि लगभग सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पूर्व पीएम शेख हसीना के ऑफिशियल हाउस यानी कि पीएमओ पर धावा बोल चुके थे। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ा गया। अराजकता की ये तस्वीर काफी तेजी से वायरल हुई। वीडियो में देखा गया कि एक शख्स प्रतिमा पर चढ़कर उसे क्षतिग्रस्त कर रहा है, उसके साथ ही इस पर शोर मचाते नजर आ रहे हैं। शेख हसीना की तस्वीर उतारी। एक अन्य वीडियो में हमने देखा कि विरोध का स्वर इस कदर हावी हो चुका है कि शेख हसीना की तस्वीर खुद सेना के जवान दीवार से उतारते नजर आ रहे हैं और आसपास खड़े लोग इस पर तालियां फेंक रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बेड पर फरमाया आराम। प्रदर्शन के दौरान हैरान करने वाला एक और वीडियो सामने आया। उसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति आवास के अंदर बिस्तर पर लेटा हुआ है और आराम फरमा रहा है। आसपास उसके साथी भी दिखाई पड़ते हैं जो रूम में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। चिकन टंगड़ी का प्रदर्शनकारियों ने लिया मजा। स्क्रॉल डाउन करने पर एक और वीडियो देखी गई। इस वीडियो में डाइनिंग टेबल पर बैठे प्रदर्शनकारी चिकन टंगड़ी तोड़ते नजर आ रहे हैं। टेबल पर और भी डिशेज रखी हुई है और प्रदर्शनकारी इसका मजा लेते दिख रहे हैं। नौका विहार पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। पीएमओ से एक और तस्वीर वायरल हुई जिसमें हमने देखा कि प्रदर्शनकारी नौका विहार का लुत्फ उठा रहे हैं। एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है। शुरुआत में तो यहाँ कुछ ही लोग नजर आते हैं, पर देखते ही देखते पूरा एरिया प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ जाता है। खैर, ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो श्रीलंका की याद दिला रहे हैं, जो श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान हमने देखी थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। कर्फ्यू से लेकर आपातकाल तक बेअसर हो गए थे। ये जो वीडियोस बांग्लादेश से वायरल हो रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? क्या बांग्लादेश का हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है? कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों से जुड़े रहने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।